पुलिस ने करा 12 घंटे के अंदर लाखों की चोरी का खुलासा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले पीतल निर्यातक के घर बीती रात लाखों रुपए की चोरी से हड़कंप मच गया था। पीड़िता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही लाखों की चोरी का खुलासा किया है और चोरी करने वाली महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी करा गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। मुरादाबाद जनपद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले पीतल निर्यातक के घर में बीती रात घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी हो गई थी, जिसके जानकारी पीड़ित ने पुलिस को दी। तो जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करते हुए सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि चोरी की घटना अंजाम देने वाले महिला पीड़ित परिवार के घर में काम करने वाली अर्शी निकली है। पूरे परिवार को घर में काम करने वाली महिला पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस महिला ने पूरे परिवार का भरोसा तोड़ते हुए घर में यह चोरी की घटना को अंजाम दिया। लेकिन मुरादाबाद पुलिस में महज 12 घंटे के अंदर ही घटना का खुलासा किया गया है और चोरी करा गया डायमंड नेकलेस, सोने चांदी के आभूषण, जिनकी कीमत तकरीबन 1,52,000 रुपए उससे बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही युवती घर में रखी नकदी भी ले गई थी। पुलिस ने उस नदी को भी बरामद कर लिया है। घर में काम करने वाली महिला ने थोड़े से पैसे लालच में आकर चोरी की घटना को अंजाम दे डाला, लेकिन मुरादाबाद पुलिस की काबिलियत को चलते उसकी सारी चालाकी फेल हो गई है, क्योंकि चोरी के चंद घंटों के बाद ही आरोपी महिला के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि जानकारी मिली थी निर्यातक के घर में चोरी हुई है। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर घटना का खुलासा किया है और चोरी किया गया सारा सामान और नकदी बरामद कर लिया है। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। किस घटना का अनावरण किया जा रहा है? ये कल 9:10 की रात्रि में थाना मुगलपुरा बीरगैप क्षेत्र में एक निर्यातक के घर में चोरी हो गई थी। इसमें थाना मुगलपुरा ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 12 घंटे के भी कम समय में इस घटना का खुलासा किया है। इसमें निर्यातक के घर में ही काम करने वाली एक महिला अर्शी, जो बीरगैप क्षेत्र की रहने वाली है, उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। इसमें थाना पुलिस द्वारा 100% बरामदगी की गई है। इसमें कुल 15,20,000 के कीमत के लगभग गहने पुलिस ने बरामद किए हैं। इसमें एक सोने की चेन, टीका, नथ, बाली, अंगूठी आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा 50,030 रुपये नकद भी इस महिला से बरामद किए गए हैं। इसमें इसके पूरा आपराधिक इतिहास नहीं है, इसके बारे में और तथ्य ज्ञात किए जा रहे हैं। किस तरह से घटना को अंजाम दिया, क्या प्लानिंग की थी, कौन दो? ये महिला उसी निर्यातक के घर में काम करती थी, तो इसलिए उसको घर की पूरी जानकारी थी, कौन सा आइटम और कौन सी वस्तुएं कहाँ पे रखी हुई है। उसने इसकी प्लानिंग करी और इसी के तहत उसने ये कार्यकृत किया। इसमें जो हमारी चौकी पे जो टीम है और थाने की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, जो भी लीड्स मिली उसको फॉलो किया और इस महिला से पूछताछ में इसने अपना जुर्म स्वीकारा। साथ ही इसमें बरामदगी भी इसके पास से की गई। कितने आरोपी थे इसमें? इसमें एक अभियुक्त है अर्शी परवीन, जो पीरगैप क्षेत्र की रहने वाली है, जो निर्यातक के घर में कार्य करती है, उसकी गिरफ्तारी की गई है और अधिक कार्रवाई पूर्ण करी है। बरामद क्या रही? इसमें कुल 15,20,000 कीमत के आभूषण बरामद किया गया है, जिसमें एक सोने की चेन, टीका, नथ, बाली, अंगूठी, डायमंड नेकलेस आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा 50,030 रुपये नकद भी बरामद किए गए।